फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ही स्टार्टर से दो मोटर चलाना। एक ही स्टार्टर से दो मोटर चलेगा, ये हमारा स्टार्टर है, ये इसका मेन डीपी है। थ्री फेज का मोटर हमको चलाना है, वो एक ही स्टार्टर से। तो कैसे चलाएंगे आगे वीडियो में हम बताते हैं आपको। इसके साथ में हमको एक चेंज ओवर यूज करना पड़ेगा, यह है हमारा चेंज ओवर जो स्टार्टर में मेन लाइन देने के बाद में जो आउटपुट निकलेगा इसके इनपुट में हम ऐड करेंगे। थ्री फेज का आउटपुट ये हो गया आर वाई बी, ये एक ही सेम कलर है, इसके लिए हम देख देख के लगाए हैं। आप भी अगर हम आपके पास अलग अलग कलर होगा तो आप देख के यूज कर सकते हैं। ये हो गया रेड, ये येलो, ये ब्लू, आर वाई बी का तीनों सप्लाई हो गया। ये हो गया हमारे पास दूसरा, इनके बराबर में जो आ रहा है ये हो गया हमारे पास मोटर का, एक मोटर का वायर जिसका रेड हम इसके रेड के बराबर में जोड़ देंगे, येलो इसके येलो के बराबर में जोड़ देंगे, ब्लू इसके ब्लू के बराबर में जोड़ देंगे। एक मोटर का कनेक्शन हमारे पास ये हो गया। ऐसा ही सेम इसका लाइन इसमें रहेगा तो ऐसा ही सेम हम ऊपर की तरफ ऐड कर देंगे दूसरी मोटर का। ये हमारे पास दूसरी मोटर का वायर है। अभी इससे हम जैसे ही ऊपर करेंगे तो एक मोटर चलेगा, इसको हम जैसे नीचे करेंगे तो दूसरा मोटर चलेगा। चलो इसको हम चालू करके देखते हैं। इसका ये स्टार्टर है, ये देखिए। अभी स्टार्टर में हमने मेन लाइन कनेक्ट नहीं किया है, अभी मेन लाइन कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा थ्री फेज का मेन डीपी है, यहाँ से थ्री फेज का लाइन आया, इससे हम वायर ना होने की वजह से, ये थ्री फेज का वायर है आर वाई बी, वायर ना होने की वजह से हमने एक ही कलर का वायर यूज किया है। इसके लिए आपको अलग से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो गया आर, ये वाई, ये बी, ये तीनों हम इसके एमसीबी के आउटपुट में से निकालते हैं और इधर स्टार्टर में लेके जाएंगे। स्टार्टर के मेन टर्मिनल में इनको तीनों को आर की जगह आर, वाई की जगह वाई और बी की जगह बी कनेक्ट कर देंगे। हमने इसको इनको इधर कनेक्ट कर दिया है, ये आर, ये वाई, ये बी तीनों जगह। अभी हम इसका स्टार्टर का आउटपुट लेके जाएंगे चेंज ओवर में। ये यहाँ से हमारा आउटपुट गया है, ये आउटपुट गया है आर वाई बी तीनों का, ये आउटपुट जाएगा हमारा चेंज ओवर में। ये देखिए हमारा ये आउटपुट आ गया चेंज ओवर में। चेंज ओवर में आर वाई बी तीन है, इसमें हमको न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती तो एक छेड़ा हम खाली छोड़ देंगे। अभी एक एक टर्मिनल जो इसका है उसमें दो दो है, ये आर जिसमें जाएगा ये आर का आउटपुट हो गया, ये वाई जाएगा ये वाई का आउटपुट हो गया, ये ब्लू जाएगा ब्लू का आउटपुट हो गया। ऐसा ही सेम कंडीशन ऊपर होगा, ये अंदर से ऊपर वाले में अंदर से कनेक्टेड है, ये आर से आर कनेक्टेड है, वाई से वाई कनेक्टेड है और ब्लू से ब्लू कनेक्टेड है। अभी हम दोनों मोटर का वायर लेंगे, मोटर का वायर आया है हमारे पास ये और दूसरी मोटर का वायर आया है हमारे पास ये वाला जो नीचे से आया है। अभी एक मोटर का वायर हम नीचे वाले टर्मिनल में आर वाई बी के में सही क्रम में जोड़ देंगे और एक ऊपर वाले टर्मिनल में आर वाई बी तीनों को जोड़ देंगे। ये कनेक्शन हमारा रेडी हो गया है, अभी हम आपको मोटर चालू करके दिखाते हैं। अब सबसे पहले हम मेन एमसीबी की तरफ जाएंगे, मेन एमसीबी को ऑन करेंगे, करो ऑन करो,
उसके बाद में हम स्टार्टर को चालू करेंगे। इसके बाद स्टार्टर को चालू करेंगे। ये स्टार्टर हमारा चालू हो गया है। अभी हम इसके आउटपुट में देख लेंगे सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा स्टार्टर चालू हो गया है, ये देख सकते हैं टेस्टर ग्लो कर रहा है। अभी हम इधर चेंज ओवर में इसका मेन सप्लाई चेक कर लेंगे कि सप्लाई आया कि नहीं आया। ये देखिए दोस्तों टेस्टर ग्लो कर रहा है, ये आर फेस में कर रहा है, ये वाई फेस आ गया, ये बी फेस आ गया। ऐसा ही सेम ऊपर आएगा तो इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। ये आर फेस आ गया, ये वाई फेस आ गया, ये वाई फेस आ गया और ये ब्लू फेस आ गया, बी फेस आ गया। अभी हमको दो अलग अलग मोटर का दोनों का कनेक्शन कर दिए हैं। अभी हमको कौन सा मोटर चलाना है ना, उसका हम ये इसका हैंडल आता है, जो ऊपर करेंगे एक मोटर चलेगा, नीचे करेंगे दूसरा मोटर चालू होगा। अभी हम इसको ऊपर कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारा मोटर चालू हो चुका है। इसमें अगर मोटर चालू नहीं होता है कोई कारणवश तो हम इसका ये फेस है ना जो मोटर का गया है, मोटर में जो वायर गया है उसको हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। जैसा सेम कंडीशन ये भी है नीचे वाले में भी, इसका वायर भी हम आर वाई भी अगर उल्टा सुल्टा लग जाएगा तो मोटर चालू नहीं होगा। इसको हम आर की जगह वाई, वाई की जगह बी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास इसमें हुआ है। ऐसा ही ऊपर का मोटर का वायर जो गया है, जो मतलब येलो की जगह हमने ब्लू यूज किया है। अभी एक मोटर हमारा, ये टैंक का मोटर है, ये आप देख सकते हैं इसमें से आवाज़ आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड हमारा मोटर इसमें चालू हो गया, ये अंडरग्राउंड टैंक का मोटर है। अभी इसको हम दूसरी मोटर को चालू करके, अभी एक मोटर हमारा चालू हो गया है, अभी हम दूसरी मोटर में इसको इसके हैंडल को नीचे वाले में कनेक्ट करेंगे। करो नीचे। ये देखिए फ्रेंड हमारा दूसरा मोटर, अभी देखते हैं कि चालू हुआ है कि नहीं। अभी यहाँ से हो गया है, ये देखिए। चलो अभी हम टैंक के पास जाके देख लेते हैं कि मोटर चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारा अंडरग्राउंड टैंक में वही मोटर, देखिए फ्रेंड हमारा मोटर चालू हो चुका है। मतलब ये एक ही स्टार्टर से हमने दो नो मोटर यूज कर सकते हैं। अभी हमारा दोनों मोटर चालू हो गया है, हमने दोनों मोटर चालू करके देख लिया। अभी इस हैंडल को अगर बीच में रखेंगे, अभी दोनों मोटर बंद है हमारा, अभी इसको हम बंद कर देंगे। ये एक ही स्टार्टर है, हम अभी दोनों मोटर चलाएंगे। ये हमारे पास इसका एक ही स्टार्टर है, इसके लिए हमको चेंज ओवर का यूज करना पड़ेगा। ये 32 एम्पियर का हमारे पास चेंज ओवर है, 415 वोल्टेज। अभी स्टार्टर का भी हम ढक्कन लगा देंगे, बंद कर देंगे स्टार्टर को। ये चेंज ओवर है, अगर हम ऊपर करेंगे एक नंबर का मोटर टैंक का मोटर चलेगा, अगर नीचे करेंगे दो नंबर टैंक का मोटर चलेगा, अगर बीच में रखेंगे इसको तो दोनों मोटर बंद रहेगा। इसको चालू करने के लिए हम सबसे पहले इधर स्टार्टर को ऑन करेंगे, इसको हटाएंगे, स्टार्टर को ऑन करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में हमको कौन सा मोटर चलाना है,
टैंक नंबर वन का चलाना है, टैंक नंबर टू का चलाना है। उसके हिसाब से अगर वन का चलाना है तो हम इसको ऊपर कर देंगे, अगर हमको बंद, उसके बाद में मोटर पानी फुल हो गया है तो बंद करना है, हम इसको बीच में कर देंगे। अगर हमको टैंक टू की ज़रूरत है तो हम इसको नीचे कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसको बंद कर देते हैं, बंद ही रखने के लिए कि ताकि बार बार कोई चालू ना करे, इसके लिए हम इसका ये लॉकिंग सिस्टम आता है तो हम लॉक कर देंगे। अब देखो, अभी मेन थ्री फेज का हमारे पास जो एमसीबी है उसका भी हम ढक्कन लगा देते हैं। हमारा दोनों मोटर एक ही स्टार्टर पे अभी चलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे तक लाते रहेंगे। थैंक यू, लाइक कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और बेल घंटी दबाना मत भूलिए।